हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हूँ जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश की एक सिटी है, भारत का एक स्टेट एमपी। आज मॉर्निंग वॉक का है प्लान, लंबी ट्रैकिंग का। और जो सुबह की ट्रैकिंग है उसका जो मज़ा है ना, वो कुछ और ही है। अद्भुत आनंद मिलता है इसमें। तो अभी जस्ट शुरू की है जर्नी, 500-700 मीटर ऊपर आ चुका हूँ घर से अपने, और अभी बचा है कम से कम 5 किलोमीटर और। तो बड़ी खूबसूरत धार्मिक स्थल है नर्मदा नदी, उस पर रोज़ सुबह सुबह जाके नहा लो, उसका मज़ा ही कुछ और है। और आज वैसे भी नवरात्रि रामनवमी है, तो देखिए कितना समय लगता है पहुंचने में। जब पहुंचूंगा तो करता हूं कनेक्ट आप लोगों को, तो बताता हूं कैसा एक्सपीरियंस है यहां का। जगह जगह मंदिरों से भरा हुआ शहर, आप चलते चलते कम से कम 50-100 टेम्पल्स मंदिर देख सकते हैं। ये देखिए भैरव बाबा का मंदिर है। और जबलपुर के जिस जगह में हूँ मैं, उस जगह का नाम है रामपुर। रामपुर की एक बहुत प्रसिद्ध दुकान है के सरवानी स्वीट्स, ब्रेकफास्ट यहीं कर लेता हूँ। बहुत प्यारा टेस्ट, अच्छा टेस्ट, नीट एंड क्लीन, साफ सफाई तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे आपको एक भी कचरा नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये पहुँच गया हूँ रामपुर चौक, इसका नाम ग्रेनेड चौक भी है। और ये घर से अप्रॉक्स 1-1.5 किलोमीटर के आसपास है। ये देखिए बिल्कुल साफ शहर, नो पॉल्यूशन। ग्रीन 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 ग्रीन। ब्यूटिफुल हाउस, ब्यूटिफुल हाउस। जबलपुर जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है, स्टेट जो है, वो सबसे बड़ा राज्य था। और उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि पूरे भारत के बिल्कुल सेंटर में है ये, बिल्कुल बीचों बीच। और जब छत्तीसगढ़ से अलग हुआ तो फिर ये इसका नंबर चेंज हो गया, अदरवाइज सबसे बड़ा स्टेट था पूरे इंडिया का ये। बिल्कुल साफ, आपको कोई डस्ट नहीं दिखेगी यहाँ पे, नो पॉल्यूशन, कोई पॉल्यूशन नहीं है भाई। वाह, मजा आ गया। इस रूट में मैंने गौर किया कि अधिकतर इंडिपेंडेंट हाउस ज़्यादा है। ये कोई केसरवानी जी हैं, आगे किसी अग्रवाल जी की कोठी है। अच्छा है, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको यश चाहिए। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं।
मेरे सीने में। ये बहुत प्यारा हनुमान मंदिर है, बहुत सुंदर। कुछ बुजुर्ग महिलाएं घूमने में है। बहुत अच्छा है, मॉर्निंग वॉक की हैबिट बनना ही बहुत अच्छा है। तो मैं तो ये प्रेफर करता हूँ कि वेक अप इन द मॉर्निंग एटलीस्ट 5 AM और डेली 5-7-8 किलोमीटर की वॉकिंग करिए। इफ यू कैंट प्ले स्पोर्ट्स तो बेस्ट है ही, अगर आप नहीं खेल सकते हो तो बढ़िया है, आप वॉकिंग कर सकते हो। ये देखिए कितना खूबसूरत हाउस है, और ये है कोई अपार्टमेंट नहीं है, ये सिर्फ इंडिपेंडेंट हाउस। जस्ट बगल में साईं बाबा मंदिर, राइट साइड में भी एक प्यारा सा घर इंडिपेंडेंट हाउस। दीवाले साईं बाबा आया है दर पे तेरे सवार। गवर्नमेंट हाउस है आई थिंक, एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ, बट कोई कॉलोनी लग रही है। IIT रुड़की में किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है तो उसके पेरेंट के साथ उसकी फोटो लगी हुई है। आओ आओ आओ। जबलपुर का फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर है, इसके अंदर हमें यहाँ से ऊपर को जाना है। काल रात्रि है कल्याणी की लजूल धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ की बराबर कोई नहीं। जय मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी ममता से जो प्यारा अपार्टमेंट है यहाँ पे सुख सागर वैली। चलते चलते मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ, अभी 1.25 किलोमीटर रखा है बचा होगा। रेलवे ब्रिज, यहाँ पहुँचने के बाद फील आता है कि बस अब मंजिल दूर नहीं है, जल्दी ही हम पहुँचने वाले हैं। लेकिन अभी भी यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर मान के चलिए आप लोग, इतना है। और यहाँ से एक चढ़ाई सी है, ऊपर को चढ़ना है आपको। बस पहुँचने ही वाला हूँ, थोड़ा सा 100-200 मीटर का और रास्ता बचा हुआ है। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। नमामि नर्मदे नमः नमामि नर्मदे नमः नमामि नर्मदे नमः नमामि नर्मदे नमः। जय नर्मदा मैया की। पहुँच गए बेटा, पहुँच गए हम नर्मदा मैया के दर्शन। देखिए यहाँ पे दूर एक जगह लिखा हुआ है, नमामि नर्मदे नमः नमामि नर्मदे नमामि नर्मदे नमः नमामि नर्मदे नमामि नर्मदे नमः। चलते चलते
पूरे पैर में एक्सपीरियंस कर जाता है, थोड़ा रेस्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, 15 मिनट रेस्ट होगा। आज आपको एक बात बताऊं मैं, दिस इज़ माय 7th डे। आज लगातार 7वें दिन पहुंचा हूं मैं। रोज सुबह 5 बजे उठ रहा हूं और नर्मदा मैया के दर्शन करने आ जा रहा हूं। नमामि नर्मदे। अब यहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा सा रेस्ट 15-20 मिनट, उसके बाद पानी में जाऊँगा। चलो गिरो। गैस हो गया नहाना हमारा, अब घर की तरफ वापसी। वापसी करने के लिए भी थोड़ा सा 500 से एक किलोमीटर के आसपास आप वॉकिंग करते हो, उसके बाद ऊपर रोड में आपको ऑटो या कुछ मिल जाएगा घर जाने के लिए। तो सुबह उठिए और चलते रहिए, बड़ा आनंद आएगा जिस जगह पे हैं। तो गाइस आज का हो गया है नर्मदा मैया के दर्शन, नहा लिया है वहाँ पे, वापसी हो रही है। 500 मीटर से किलोमीटर के आसपास आपको चलना पड़ेगा, फिर वहाँ पे आपको ऑटो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, उसमें आप जाइए आराम से पहुँच सकते हैं। तो अलग ही